जी जनाब, तो गौर कीजिए कि प्रमोशन का एम क्या होता है, जो प्रमोशन है यानी उसका मकसद क्या होता है। प्रमोशन का मकसद है टू क्रिएट, टू इंक्रीज अवेयरनेस, क्रिएट इंटरेस्ट, जनरेट सेल्स और क्रिएट ब्रांड लॉयलिटी। यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो लोग हैं वो प्रमोशन क्यों करते हैं? अव्वल इसलिए करते हैं कि अवेयरनेस पैदा करें, दौम इसलिए करते हैं कि इंटरेस्ट पैदा हो, सोम इसलिए करते हैं कि सेल्स बढ़ें या लोग उस ब्रांड के साथ लॉयल हो जाएं। देखें, ये तो अभी बिल्कुल हम बिजनेस सेंस में बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों की तवज्जो थोड़ी सी जनरल आस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन की तरफ भी मबजूल करवाना चाहूँगा। आप गौर कीजिए कि हम सब अपनी लाइफ के अंदर प्रमोशन का इस्तेमाल करते हैं। देखें, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे अपने कुछ मकासद हैं और उन मकासद को पूरा करने के लिए हमें दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब देखिए, दूसरों से सपोर्ट हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, मुख्तलिफ तरीके। बाज़ औक़ात हम ये काम कॉन्शियसली या इंटेंशनली कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात ये हम काम सब कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली या अन इंटेंशनली भी कर रहे होते हैं। करते क्या हैं हम? किसी ना किसी तरीके को इस्तेमाल करके लोगों को अवेयर करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। फिर हम कोशिश करते हैं कि लोग उसमें इंटरेस्टेड हो जाएं। लोगों का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हम उनको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि ऐसे लगे जैसे लोगों का भी इसमें फ़ायदा है। और फिर हम लोग इस तरह से कोशिश करते हैं कि लोग उन आइडियाज़ को जो हमारे हैं उनको बाय कर लें और हमें अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर दें। बिल्कुल इसी तरह से बिजनेसेस भी अगर आप गौर करें तो वो प्रमोशन में यही कर रहे होते हैं। अव्वल अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, फिर लोगों को कन्विंस करते हैं कि लोग उसमें इंटरेस्टेड हो जाएं और फिर ये कि लोग बाय करें और उनकी सेल्स में इजाफा हो और लोग उनके साथ अटैच हो जाएं, लॉयल हो जाएं, ताकि बार बार वो उनकी प्रोडक्ट को बाय करते रहें। अच्छा, अब आइए एम ऑफ प्रमोशन को समझने के बाद हम ये समझते हैं कि प्रमोशन मिक्स क्या चीज़ होती है। अजीज़ान मन, जिस तरह मार्केटिंग मिक्स यानी ब्लेंड ऑफ सम टूल्स था, वो फोर टूल्स थे, इसी तरह प्राइस मिक्स भी था और प्रोडक्ट मिक्स भी था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे प्रमोशन मिक्स है। यानी प्रमोशन मिक्स क्या चीज़ है? मिक्स का यहाँ मतलब कॉम्बिनेशन है, मिक्स का यहाँ मतलब ब्लेंड है। तो प्रमोशन मिक्स का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दूस टूल्स एंड टेक्निक्स विच आर यूज फॉर प्रमोशन। जो तमाम टूल्स और टेक्निक्स, वो मेथड्स, वो सारे तरीक़ेकार जो कि प्रमोशन करने के लिए या मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए या कंपनी या प्रोडक्ट का मैसेज उसकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको आमतौर पे प्रमोशन मिक्स कहा जाता है। देखिए, फॉर्मली द प्रमोशन मिक्स इज द स्पेसिफिक ब्लेंड ऑफ एडवर्टाइजिंग। स्पेसिफिक ब्लेंड ऑफ व्हाट? ब्लेंड का यहाँ मतलब कॉम्बिनेशन है। ब्लेंड ऑफ किसका? एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इन तमाम टूल्स का एक कॉम्बिनेशन जो है वो प्रमोशन मिक्स कहलाता है। किस लिए? जिसको कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, इस तरह इस्तेमाल करती हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनको आप वैल्यू कम्युनिकेट करें और उनके साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करें। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा और मैं चाहूँगा कि हम ऑब्वियसली स्टडी करने, इसको समझने की कोशिश करें। आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम अपेयर हो रही है। उस डायग्राम में आप गौर कर सकते हैं कि उन प्रमोशन टूल्स का नाम लिखा हुआ है जिनको अभी हमने प्रमोशन मिक्स के नाम से पढ़ा है। एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, सेल्स प्रमोशन है, डिजिटल एंड डायरेक्ट मार्केटिंग है। गौर कीजिए, ये मेन, यानी ये नहीं है कि सिर्फ यही प्रमोशन के टूल्स हैं, प्रमोशन के टूल्स इसके अलावा भी हैं। ख़ास तौर पे अगर हम आज के दौर की बात करें, जो हमारा इंफॉर्मेशन एज है, जो हमारा डिजिटल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, इसके अंदर तो अब बहुत सारे नए मीडियम्स यानी नए वो व्हीकल्स भी आ गए हैं जिनसे आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं और वो तरीके भी आ गए हैं
जिनसे आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, आप प्रमोशन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप गौर ये देख रहे हैं सामने कि ये तमाम जो टूल्स हैं, ये जो प्रमोशन मैक्स के टूल्स हैं, ये आपस में एरोस के साथ कनेक्टेड हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वैसे तो हम थोड़ी देर बाद जाके समझेंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये तमाम टूल्स जो प्रमोशन मैक्स के हैं, ये एज अ कॉम्बिनेशन वर्क करते हैं। ऐसे नहीं होता कि ये इसमें से हर टूल आइसोलेशन में काम कर रहा होता है, बल्कि आप इनमें टूल्स को एक बड़े कॉम्बिनेशन के साथ, जिस तरह आप देखते हैं ना कि एक हंडिया जो हमारे घर में बनाई जाती है, उसके अंदर बहुत सी चीजों के कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर आपने कभी आलू गोश्त पे गौर किया हो तो आप देखते हैं कि वो इतना मजेदार ये जो आलू गोश्त होता है, ये किसी एक चीज से बनता है नहीं जनाब, इसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। अच्छा, अब एक सवाल आपके सामने पैदा होता है, कुछ हंडिया बहुत मजे की होती हैं, कुछ सारा कम मजे की होती हैं, हालांकि बाज़ोकात इंग्रेडिएंट्स आप अजजाए तरकीबी एक ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। भाई वो जो फर्क होता है ना, वो बनाने वाले का हुनर है कि वो किस तरह उन अज्जा को कंबाइन कर देता है। तो जितना तवाज़न के साथ कोई उसको उन अज्जा को ब्लेंड करता है, उतनी ही जो हंडिया है वो ज्यादा मजेदार बनती है, उतनी ही ज्यादा अच्छी बनती है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये आपके जो प्रमोशन मिक्स टूल्स हैं, इनको भी कंबाइन करना होता है। इस तरह के ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, जहां जरूरत हो वहां सप्लीमेंट करें, और जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन का, उसको अल्टीमेटली अचीव करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रमोशन मिक्स का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम थोड़ी देर में देखेंगे जो प्रमोशन मिक्स के डिफरेंट टूल्स हैं, उनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।